जौहर चौराहे पे इस वक्त मौजूद है। मौजूदा हालात के पेश नज़र जो सिंध हुकूमत ने बोला लॉकडाउन करने का, शहर बाजार वगैरह बंद कर रहे हैं, तो उसके तहत हमने जेडीसी ने फैसला किया कि यहाँ पे बैठ के खाना खिलाया जाता था वो हमने दो हफ्ते के लिए मंसूख किया है अपना, और उसके नतीजे हमने ये किया है कि यहाँ पे लिस्ट लगा दी अपने साथ जो लोग अपने घर ले जाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। जो रोजाना उज्जत डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, रोज के रोज काम करते हैं, उनके लिए हमने फैसिलिटी दी है। जो अपने साथ ले जाना चाहे, अपने घर पे जितनी रोटी ले जाना चाहे वो ले जा सकता है, पैक करके दे रहे हैं, थैली में दे रहे हैं। लोग अपने घर से बर्तन लेकर आ रहे हैं, लोग अपने घर से प्लास्टिक के बर्तन लेकर आ रहे हैं, उसमें हम सारी चीज़ें दे रहे हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये और सिर्फ ये है, जेडीसी दस्तखाने मामले साथ अलहमदुल्ला उसी तरीके से चल रहा है। जो लोग इसमें हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो सपोर्ट करें। इस वक्त रात का खाना चल रहा है, आलू यहाँ पे धुलने के लिए रखे हुए हैं, रात के ये दोपहर का, ये रात का खाना बन रहा है हमारे पास। इस वक्त ये दोपहर की हमारे पास था दाल, वो चल रही है हमारे पास। बताने मकसद ये है कि भाईजान अपने इर्द गिर्द नवाब में खास तौर पर नजर रखिएगा, जो रोजाना लोग काम करके खाते थे उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। जो जिससे आप प्लम्बर का काम करते थे, जिससे आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, या जो भी मजदूर तबका है जो, वो इस वक्त बहुत परेशान होगा इस मौजूदा सूरत हाल के तहत। तो अपने भी नजर में रखिएगा, बाकी जो लोग हैं उनको जेडीसी का बताएगा। इस वक्त यहाँ से ये सिलसिला जारी है, आप लोग देख लें, ये एक एक शॉपर इस तरह करके बनाया गया है, रोटी के साथ, सालन रोटी के साथ इसमें मौजूद है, रोटी के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी है। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि भाई परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह मुश्किल वक्त निकल जाएगा, लेकिन आप जेडीसी का ताबून कीजिएगा, बाकी